सबसे पहले हम किसी प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है यहाँ पे, लेट इट ओपन, इट इज़ daisyhome.com, daisyhome, आ जाओ daisyhome.com। प्लीज़ इग्नोर द साउंड ऑफ फैन इन द बैकग्राउंड। ओके, सो दिस इज़ द वेबसाइट, इट इज़ जस्ट न्यू वेबसाइट एंड वी हैव टू एड द प्रोडक्ट्स एंड वी हैव टू चेंज द लेआउट एज वेल। सो अभी हम लोग जो है केवल प्रोडक्ट को ऐड करने के बारे में सोचेंगे। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा। हम सबसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका शॉप मैनेजर का नाम डाल सकते हो, यहाँ पे एडमिन से लॉगिन कर देते हैं हम। तो हमने इस पर लॉगिन पे क्लिक कर दिया। और ये अब यहाँ पे लॉगिन हो गया है। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे डेजी होम यानी ऊपर यहाँ पे जाना पड़ेगा और डैशबोर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पे हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो प्रोडक्ट हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले अभी हम यहाँ पे बैंगल्स ऐड करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BANGLES, बैंगल्स। ठीक है, अब इस बैंगल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन हमको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो हमारा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा और यहाँ पे नीचे जो हमारा होता है डिस्क्रिप्शन उसको बोलते हैं प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन है जो हमारे सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो वी हैव सेवरल काइंड्स ऑफ बैंगल्स, ऊपर लिखेंगे इट इज मेड ऑफ प्योर ग्लास एंड प्योर कलर्स, इट्स वेट इज 5 grams पर बैंगल्स, रेडियस इज 10 centimeters। ओके, तो सबसे पहले हमने नीचे जो प्रोडक्ट ऐड करना था और अब हम इस पे यहाँ पे सब चीज़ देखेंगे धीरे धीरे करके। हमने नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया और उसके बाद यहाँ पे हमने डाला है जो थोड़ा डिटेल्स लिखना चाहते हैं। एंड यहाँ पे ये एक SEO का है, तो एडिट स्निपेट, तो यहाँ पे हमें SEO डालना है ताकि हम हमारा जो प्रोडक्ट है वो गूगल पे दिखाए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऐसे दिखाई देता है गूगल पे, आपने नोटिस किया होगा, बैंगल्स daisyhome.com/bangles। तो यहाँ पे हम डालेंगे बैंगल्स कलरफुल बैंगल्स इन कानपुर लोकेशन। सो नीचे जो दिखाई दे रही है ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन होगा इसका मतलब हम सही काम कर रहे हैं। उसके बाद स्लग हमारा ऑटोमेटिकली ले लेता है और हम बैंगल्स इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि वी हैव कलेक्शन ऑफ बेस्ट एंड अफोर्डेबल ब्यूटीफुल बैंगल्स इन डिफरेंट वराइटी विच यू कैन यूज इन एनी काइंड ऑफ ओकेशन। सी एज सून एज वी टाइप और वी जस्ट टाइप ओकेशन इट टर्न इन टू ग्रीन, सो इट शुड बी ग्रीन। नाउ दिस इज़ अ फोकस कीवर्ड, तो जब गूगल पे हम लोग डालते हैं तो कीवर्ड हम ऐसे डालते हैं जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैंगल्स इन कानपुर कलरफुल एंड यू कैन से ग्लास। सो दिस शुड बी द कीवर्ड विच
कस्टमर्स आर गोइंग टू टाइप इन द गूगल एंड देन हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो उस पर दिखाई देगा। अब हम नीचे आते हैं प्रोडक्ट डेटा जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे सिंपल प्रोडक्ट और इट वुड बी ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड। जनरल रेगुलर प्राइस हम जो है पर दर्जन यानी कि 12 बैंगल्स का रेट लिखेंगे यहाँ पे अराउंड 40 रुपीज़। और सेल्स प्राइस को हम चाहें तो सेम लिख दें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो हर चीज़ हम सेल पे नहीं देंगे। इन्वेंट्री हमारा SKU लिखना पड़ेगा हमको कि BAN 123, इट्स कॉल्ड बैंगल्स। शिपिंग हमारी अगर हम चाहते हैं इस पर शिपिंग वेट अराउंड 10 ग्राम्स, हमने पहले सेंटीमीटर में किया हुआ ग्राम्स। लेंथ हमारी पता नहीं है, हाइट पता नहीं है, तो हम इसको फ्लैट रेट लिखेंगे। शिपिंग क्लास ऑलरेडी सेलेक्टेड है, फ्लैट रेट लिखेंगे। उसके बाद लिंक्ड प्रोडक्ट में हम वो प्रोडक्ट चूज़ करेंगे यहाँ पे जो हम अपसेल करना चाहते हैं, यानी कि चूड़ी और मेकअप से रिलेटेड जो भी सामान होगा हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि पाउडर, बिंदी, लिपस्टिक और समथिंग। क्रॉस सेल में हम कुछ भी बेच सकते हैं, जैसे कि बैग, तो ये बैग लिख के आ गया, तो हम ये क्रॉस सेल कर देंगे। जब बंदा या कोई कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ढूंढेगा और या उसको वॉच कर रहा होगा तो ये बैग नीचे दिखाई देगा। एट्रीब्यूट्स में हम लिखेंगे, ये एट्रीब्यूट्स होता है जैसे कि कलर, वेट, साइज और यू कैन से टैग नंबर, कंपनी, समथिंग लाइक दैट। लिटिल बिट आई मीन सिमिलर टू द सब कैटेगरी ऑफ सब कैटेगरी। तो अभी यहाँ पे हम लिख देंगे रेड, लिख देंगे रेड एंड देन हमारा एट्रीब्यूट रेड हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है डेटा पूरा इसमें सेट हो गया है। नीचे देखते हैं तो ये रहा हमारा एट्रीब्यूट जिस पे हमने रेड सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, और हम इसको ऐड करके ब्लैक भी कर सकते हैं, तो हम इस पे लिखेंगे ब्लैक। फिर एडवांस हमें एक बार और जाना पड़ेगा क्योंकि एट्रीब्यूट हमें बार बार सेलेक्ट नहीं करना होता या लिखना नहीं होता, वो एक बार पहले हो जाता है फिर हम उसको चेक मार्क कर सकते हैं। हम एडवांस में जाएंगे, देखेंगे परचेज नोट कुछ नहीं लिखना है, इनेबल रिव्यूज़ हमें कुछ नहीं लिखना है। इनेबल रिव्यूज़ मतलब कस्टमर यहाँ पे इस पे रिव्यूज़ डालेगा कि किस तरह का प्रोडक्ट हम उसको बेच रहे हैं, कमेंट्स डालेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है, ऐड अ न्यू कैटेगरी हम इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे मेकअप, मेकअप, ठीक है, हमने यहाँ पे एंटर मार दिया और यहाँ पे न्यू कैटेगरी ऐड हो गई, मेकअप पे कर दिया। अब पेरेंट कैटेगरी हमारी ये हो गई मेन है। अब प्रोडक्ट की इमेज, इमेज के लिए हम लोग जाएंगे सीधे गूगल पे और या फिर हम अपनी खुद की फ़ोटो खींच के हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हमने प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक किया, दो ऑप्शन है जो ऑलरेडी इमेजेस हम सेलेक्ट कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, हम उसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम अपलोड इमेज, अपलोड फाइल यहाँ पे जाके हम कोई भी इमेज डेस्कटॉप पे या किसी भी लोकेशन पे उसको ढूंढ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास इमेज ऑलरेडी रेडी होनी चाहिए, तो अभी मेरे पास इमेज नहीं है तो मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ इंटरनेट से। ई कॉमर्स बिजनेस में किसी दूसरे की इमेज यूज़ करना एक कानूनन अपराध है और अच्छा भी नहीं है, तो हम अपनी खुद की इमेजेस को लेंगे। तो अभी मैं कहता हूँ कि मैं बैंगल्स की कुछ इमेजेस डाउनलोड करता हूँ, तो वो मैं प्रॉब्ली यहाँ की ना लूँ, तो चलो अमेज़ोन की नहीं लूँगा मैं किसी और चीज़ की लेता हूँ जो कहीं बाहर से, जैसे कि ये है मिराफ, तो मैं मिराफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिराफ कोई ज़्यादा फेमस वेबसाइट नहीं है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा हमने उनका सामान यू नो कॉपी कर लिया है। एंड रिकमेंडेशन इज़ वी डोंट हैव टू यूज़ एनी इमेज ऑफ एनी वेबसाइट। नाउ आई एम गोइंग टू सेव द इमेज ऑन द डेस्कटॉप इमेज एज, और ये हमारी जाएगी बैंगल्स BANGLES सेव। इसको हम बंद कर देंगे, हम वापस उसी विंडो पे आते हैं जहाँ पे हमें इमेज अपलोड करनी थी। तो हम सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये पड़ा हुआ बैंगल्स और हम यहाँ पे ओपन कर देंगे और इमेज मेरी अपलोड हो रही है। हम एक साथ इमेजेस को अपलोड कर दें वो हमारा बेहतर होता है तरीका, ताकि हम बार बार इमेजेस को अपलोड ना करें, एक एक करके सीधे अपलोड कर दें और सेलेक्ट कर दें। ठीक है, ये हमारी बैंगल्स की इमेज सेलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें लोकेट
ये लोकेशन दिख रही है, ये लोकेशन हमें कॉपी करनी है जो कि हम बाद में एक्सेल शीट में डाल सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सेल शीट बनी हुई है तो मैं उस पर जाके पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो इन केस हमें बार बार इमेजेस या फिर अगर मुझे बल्क इंपोर्ट यानी एक साथ सारी इमेजेस को अपलोड करना है वेबसाइट पे सीएसवी मेथड से या किसी और मेथड से, तो मेरे को बार बार इमेज सेलेक्ट ना करनी पड़े और इवन मेरे को वेबसाइट का ये प्रोडक्ट का एड टैब ही ना खोलना पड़े। तो वो एक एडवांस तरीका है, लेकिन फिर भी मैं इमेज मैंने लिंक मैंने कॉपी किया है तो मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारी शीट है जो कि बनी हुई है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम ऐड करेंगे, हम पहले शीट बनाते हैं। ऑलरेडी ये शीट हमारी भरी होनी चाहिए, खूब सारे प्रोडक्ट्स हैं, लगभग 50-60 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट हम ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ, वेबसाइट पर टाइम ले रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन अगर डेटा हमारा ऑलरेडी मेंटेन्ड होगा तो हम क्या करेंगे, सीधे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो बैंगल्स लिखा मैंने, ये हमारा प्रोडक्ट नेम है, डिस्क्रिप्शन हमने क्या किया है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अभी सीधे जा रहा हूँ इमेज पे, वेर इज़ इमेज, दिस इज़ इमेज यू आर एल, सी आई जस्ट कॉपीड, ये इमेज यू आर एल है जो मेरे बाद में बड़ा काम आने वाला है। तो मैंने इसे कॉपी करके सेव कर दिया है और मैंने मिनिमाइज़ कर दिया एक्सेल शीट। सेलेक्ट प्रोडक्ट इमेज पे हम वापस आ गए हैं, हमारी इमेज सेलेक्ट हो गई है। पब्लिश क्लिक करने से पहले मैं देखता हूँ कि हमारी वेबसाइट में दिखाता भी है कि नहीं। ठीक है, अभी वेबसाइट में दो ही प्रोडक्ट हैं हमारे, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, ढूंढेंगे बैंगल्स। ओके, सो नो प्रोडक्ट वर्ड सेलेक्टेड मच ऑन फाउंड, सो यहाँ पे नहीं मिला। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरे टैब पे जाके उसको पब्लिश कर देते हैं। ये हो गया प्रोडक्ट मेटा पब्लिश। अब हम जाके दोबारा सर्च करते हैं। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखिए। तो इमेज हमारी ऐसी है कि इमेज को खींचा गया है और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया गया है। तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड थिंग टू रिमूव द बैकग्राउंड व्हेन वी टेक ए स्नैप ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू ऐड। नाउ आपने नोटिस किया होगा, पहले यहाँ पे ग्रॉसरी और लदर आइटम था, अब यहाँ पे मेकअप भी आ गया है। तो जितनी कैटेगरीज हम ऐड करते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा था, ये जो कैटेगरी का ऑप्शन है यहाँ पे, अगर हम नई कैटेगरी ऐड करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाता चला जाएगा, यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी, तो वेबसाइट हमारी पूरी भरी भरी सी लगेगी। और जब प्रोडक्ट ऐड होते जाएंगे तो यहाँ भी साइड में आता जाएगा, नीचे भी रिसेंट कमेंट में लोग कमेंट करेंगे तो वो दिखाएगा, प्रोडक्ट कैटेगरीज दिखाएंगी जो हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स हमें बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले हम जैसे मेरा प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है तो हम यहाँ पर जाके दोबारा, किधर गया मेरा प्रोडक्ट, ओके प्रोडक्ट्स पर जाके क्लिक कर देंगे, प्रोडक्ट्स पर। ओके, एज सुन एज वी क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स, ये हमें सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन दिखा देगा, कितने प्रोडक्ट्स हमने अभी तक डाले हैं। तो यहाँ पे स्टार दिख रहा होगा, स्टार हमारा फीचर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए होता है, टॉगल फीचर्ड, तो फीचर्ड का ऑप्शन हमारा जो है बार बार सामने सामने दिखाएगा। तो मेक इट अ फैशन और यू नो फैशन प्रोडक्ट में भी ये सामने आ जाएगा हमारे। तो जैसे दो प्रोडक्ट दिखा, ये बार बार सामने आएगा वेबसाइट खोलते, तो हम इसको भी फीचर प्रोडक्ट बना देते हैं ताकि वेबसाइट खोले तो ये प्रोडक्ट दिखाए दिखाए। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं।